हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे खुश होंगे और एकदम सेहतमंद होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं ऑल थ्रू आउट दीज मंथ्स आज हमारा केशव फाइनली नाइन मंथ्स का हो गया है आई नो द डे जब मैंने इसे डिलीवर किया था और कितने सारे लोग कितना कंसर्न शो कर रहे थे कितना प्यार शो कर रहे थे थैंक यू सो मच यू गाइज आर ऑसम एंड आप सबने बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में सो so, आज ये नाइन मंथ्स का हुआ है तो हमने सोचा मंदिर जाते हैं आज संडे का दिन है वेदर बहुत अच्छा है पॉजिटिव में टेम्परेचर आई थिंक प्लस नाइन डिग्रीज है बट हाँ विंडी बहुत है बता ओके okay, हम लोग मंदिर जाने के लिए एकदम ड्रेसअप हो गए हैं सब लोग मंदिर जाएंगे और जो भी होगा आज के दिन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो चलो चलते हैं अच्छा जाने से पहले मैंने किचन में क्या क्या प्रेपरेशन करी है वो एक बार क्विकली आपको दिखा देती हूँ पालक पनीर बना लिया है बिकॉज गोविंद काफ़ी टाइम से बोल रहा था उसे पालक पनीर खाना है तो उसके लिए आज स्पेशल पालक पनीर है साथ में आटा गूंद के रख दिया है किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है ऑलरेडी इलेवन हो गया है तो थोड़ा सा भूख लगने लग गई थी हमको तो हमने सोचा फ्रूट्स पैक कर लेते हैं रास्ते में फ्रूट्स खाते हुए चले जाएंगे तो बस अब क्विकली निकले हैं घर से और ये आ, हम लोग पहुंच गए हैं हनुमान टेंपल यहाँ पे आज ज्यादा भीड़ नहीं थी और बहुत अच्छे से हमारी पूजा हुई हम लोगों ने काफी अच्छे से दर्शन किया और यहाँ पे ना भगवान जी की पूजा चल रही थी उस टाइम पे भजन वगैरह चल रहे थे तो हमने काफी देर तक यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया अभी फिलहाल अंशुल अपना पूजा के लिए स्लिप वगैरह कटवा रहे हैं और बहुत अच्छी सी दोनों बच्चों को माला

एक ये मैंगो पेस्ट्री लिया बिकॉज आज केशु का हम पेस्ट्री कट कर लेंगे शाम को और जो बेसिक सब्जियां थी जो वीक में हम यूज करेंगे वो मैंने ले लिया इसको कैंडल में you, happy birthday. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. सो so, ये था हमारा प्रिटी सिंपलसा केशु का नाइन मंथ्स बर्थडे सेलिब्रेशन हम ट्राई करते हैं कि हर महीने थोड़ा बहुत सेलिब्रेट जरूर कर लें क्योंकि ना ये सारी मेमोरीज होती हैं जो हम लाइफ लॉन्ग चेरिश करते हैं बच्चे तो जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं बट ये मेमोरीज हमेशा के लिए रह जाती हैं सो कंटिन्यूइंग विद दिस ब्लॉग द नेक्स्ट डे आज लंच के बाद मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग को अपनी फ्रिज की हालत आपको दिखाती हूँ बहुत ज्यादा क्लर्टर्ड है बहुत मेसी है ऑलमोस्ट थ्री वीक्स हो गए हैं मैंने अपनी फ्रिज को क्लीन नहीं किया है क्योंकि मैं भी थोड़ा लेजी थी इंडिया जाने से पहले एक बार डीप क्लीन तो करना ही है तो चलो एक ही बारी में डीप क्लीन कर लेंगे सो so, काफी ज्यादा मच चुकी है मेरी फ्रिज आज मैं इसको अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ सो so, मैंने अपनी फ्रिज को थोड़ा सा आगे खिसका के इसको प्लकआउट लिया है बिकॉज ना अगर प्लकआउट किए बिना आप फ्रिज को क्लीन करोगे तो इसका कंप्रेसर वगैरह खराब हो जाता है आप ही लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था मैं पहले ऐसे ही कर लेती थी क्लीन बट अभी मैंने उसको ऑफ कर दिया है और सारा सामान मैं बाहर निकालूंगी उसके बाद आपको दिखाती हूँ फ्रिज एकदम गंदा हो चुका है क्योंकि ना जब सब्जियां वगैरह रखते हो सामान रखते हो तो थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ वीकली बेसिस पे अपनी फ्रिज को क्लीन करती रहू और अगर कभी नहीं हो पाता तो फिर बहुत मेहनत लग जाती है मेरे पास ये हैंड हेल्ड वैक्यूम है बिसेल का जो मैं अपनी किचन क्लीनिंग के लिए यूज करती हूँ सारे कैबिनेट्स फ्रिज वगैरह इसी से क्लीन करती हूँ बहुत ही इजीली क्लीन हो जाता है सो अभी जो पहले मोटा मोटा कूड़ा वगैरह जो फ्रिज में हो जाता है ना उसको मैं उठा लूंगी वैक्यूम क्लीनर से ये सारे नूक एरियाज में अच्छे से जाके पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देगा उसके बाद फिर मैं एक स्प्रे डाल के अच्छे से वाइप डाउन कर दूंगी अपनी फ्रिज को सो दोस्तों अगर आपको इस टाइप के लाइफ ब्लॉग्स क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग इंडियन कुकिंग वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलेंगी एंड अब मैं इंडिया भी जाने वाली हूँ तो आपको बहुत फन इंडिया वाले ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड बिकमिंग द पार्ट ऑफ आवर फैमिली सो ये मेरा एक डी क्लीनर uh, है जिसमें मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग विनेगर थोड़ा सा डश वॉशिंग लिक्विड एंड रेस्ट बॉटल मैंने पानी से भर रखी है इसको मैं अच्छे से स्प्रे कर दूंगी पूरी फ्रिज में दो तो चार मिनट के लिए मैंने स्प्रे को छोड़ दिया था और अब मैं एक माइक्रोफाइबर क्लोथ लेके अच्छे से पूरी फ्रिज को वाइप कर दूंगी और आप अब... ट्रस्ट मी इस प्रोसेस को करने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता बस लगता है कि हाँ आज मैं डीप क्लीनिंग करनी है बट बहुत जल्दी हो जाती है तो so, सारी फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन स्पार्कली क्लीन हो जाएगी उसके बाद एक टिश्यू पेपर लेके मैं अच्छे से उसको वाइप कर दूंगी जिससे कि कोई पानी का रेसिड्यू ना रहे और बस उसके बाद जो भी मेरा सामान है उसको मैं सब लगाना स्टार्ट करूंगी और अभी मैंने ऑलमोस्ट मेरी फ्रिज अब खाली हो चुकी है जो भी सामान था जो मुझे लग रहा था कि यूज होने वाला है उसे मैंने यूज कर लिया है और जो थोड़ा बहुत सामान है बस अब क्योंकि अब इंडिया जाने वाले हैं थोड़े दिन के लिए काफी लंबा ब्रेक हो जाता है तो मेरा

वो उसी को बना रहा है फोटो फ्रेम है ये तो उसी को पेंट कर रहा है और केशु बीच में खेल रहा था फिर रोने लगा था तो मैंने किचन क्लीनिंग के साथ साथ उसको सुला दिया था तो अभी वो नैप कर रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आपको बेबी रिलेटेड रेसिपीज चाहिए सो आई एम वर्किंग ऑन दैट वीडियो मैं जल्दी ही बेबी फूड रेसिपीज़ वाली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड आज मैंने केशव के लिए दाल दलिया बनाया है काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ऐड करके अभी ना उसको टीदिंग हो रही है तो वो बहुत मन से कुछ खाता नहीं है सो so अभी आप देखो वो कितना नाटक कर रहा है खाने में तो जब बच्चों को टीदिंग होती है ना अक्सर वो खाना प्रेफर नहीं करते हैं बट बींग अ मॉम मुझे लगता है कि चलो अपना पार्ट तो कम से कम मैं करूं बनाऊं तो सही थोड़ा बहुत ही सही कन्विंस करके उसको खिलाने की कोशिश करूंगी और हाँ एक चीज़ मैंने उसमें और नोटिस करी है अब वो ना अपनी स्पून से खाना पसंद नहीं करता मैं उसके लिए बहुत ही सॉफ्ट सिलिकिन डॉक्टर ब्राउन की स्पून यूज़ करती थी वो उससे तो बिल्कुल भी नहीं खाता है अगर जो स्पून हम लोग यूज़ करते हैं उससे खिलाओ ना तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता है सो अभी उसने बहुत ही थोड़ा खाया बट चलो आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने ट्राई किया एटलीस्ट सो so, सब लोगों का डिनर वगैरह हो चुका है गोविंद भी अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था घर पे ही सो so, अभी वो वाला बेबी भी जा चुका है अपने घर और अब हम लोग बैठे हैं एक एक कप दूध लेके आज हम बहुत टाइम बाद हमने सोचा कोई मूवी लगाते हैं क्योंकि ना पैकिंग एंड शॉपिंग में इतना ज़्यादा टायर्ड से हो गए थे तो लगा थोड़ा देर बैठ के रिलैक्स किया जाए सो so, अभी नेटफ्लिक्स पर एक मूवी लगाई थी और बस अब बच्चों का जब सोने का टाइम हो जाता है तो आप कुछ भी देख रहे हो बीच में ही बंद करना पड़ता है सो अभी यहाँ पे मैं केशु के लिए दूध बना रही हूँ मैंने ये का पाउडर मिल्क यूज़ किया एंड केशु ने प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लिया उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई ऑलमोस्ट थ्री डेज हो गए मुझे यूज करते हुए मैं वंस इन अ डे ही उसको ये बॉटल फीड देती हूँ एल्स बाई गॉड्स ग्रेस मेरी मिल्क सप्लाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो उससे ही चल जाता है काम सो so, अभी उसका दूध गर्म होगा पॉटल वार्मर में उसको डैडी फीड कर देंगे तब तक हम लोग अपना स्किन केयर कर लेते हैं बिकॉज जब मुझे शादी में जाना है तो मुझे पूरा एक्साइटमेंट है कि मैं अच्छे से अपना स्किन केयर नेल केयर वगैरह करती रहूँ और जो जो कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती जा रही हूँ तो मैंने ना ये बायोर के नोज स्ट्रिप्स लिए थे इससे ना काफ़ी अच्छे से नोज पे जो भी ब्लैकेट्स वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं सो मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी Uh, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं तो मैंने सोचा आज मैं कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ सो so, बस ये इस टाइप की स्ट्रिप होती है आप अपनी नोज़ पे लगा के छोड़ दो थोड़ा सा नोज़ को वेट करना होता है जिससे कि ये स्टिक हो जाए एंड दस से पंद्रह मिनट बाद आप जब इसे पील करोगे तो सारे ब्लैकेट रिमूव हो जाते हैं काफ़ी अच्छा काम करती है ये So, बस अभी, आ, मेरा स्किन केयर हो गया है मैंने अपने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं अब मैं करती हूँ केशव की मसाज आप में से काफी सारे लोग पूछते हो कि मैं केशव की मसाज कब करती हूँ तो मुझे ना मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता है इसीलिए मैं मॉर्निंग में मसाज नहीं करती जब मैं उसे रात में सुलाती हूँ उससे पहले उसको अच्छे से तेल से मैं मसाज करती हूँ पूरी बॉडी में और फिर मैं उसको उसके रात के नाइट ड्रेस वगैरह पहना के सुला देती हूँ और फिर सिंपली सुबह उठ के बस मैं उसको शावर कराती हूँ सो so, इस तरीके का हमारा रूटीन स्टार्टिंग से ही सेट हो रखा है और जैसा मुझे लगता है रूटीन बना लो वैसा ही सेट हो जाता है तो मेरे लिए ये काम करता है कि मैं रात में मसाज करके सलाती हूँ उसको और जब मैं उसको मसाज कर रही थी तो कभी कभी गोविंद को भी हो जाता है कि मम्मा मुझे भी मसाज करो तो आज उसकी भी मसाज हो रही है सो so दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही था होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मैं अपनी और पैकिंग रिलेटेड वी वीडियोज ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सो so आप चैनल के साथ बने रहिएगा बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोज आने वाली हैं चैनल पे एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स माई हम रिक्वेस्ट आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें सारे क्विक अपडेट्स के लिए फिर से मिलते हैं तब तक के आप बहुत सारा ख्याल रखो खुश रहो मुस्कुराते रहो एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर लवली कमेंट्स ऑन दिस वीडियो थैंक यू बु बाई जय